ये जो ई बस थी ये यशोदा नगर से टाट मिल चौराहे की तरफ आ रही थी। रेड लाइट पे जहाँ पर सब ट्रैफिक रुका हुआ था, अचानक इसके ड्राइवर ने कुछ इसकी स्पीड बढ़ी और पीछे से इसने टक्कर मार दी, जिसके अंदर 6 लोग घायल हुए। घायलों को हम लोगों ने भी देखा है, सबकी संतोषजनक है। ये सिर्फ एक के मल्टीपल फ्रैक्चर हैं जिसको हेलेट रेफर किया गया है। इसमें जो वर्तमान में हम लोगों ने निर्णय लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें इन ई बसेस को 3 दिन के लिए इनका संचालन रोक दिया गया है। 2 कमेटियों का गठन किया गया है जिसके अंदर की इनका टेक्निकल मुआयना प्रत्येक बस का किया जाएगा और जिस टेक्निकल मुआयने के अंदर जो बस सही पाई जाएंगी उन्हीं को इंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक दूसरी कमेटी का भी गठित किया गया है जिसमें DCP ट्रैफिक और ADM सिटी हैं। ये पूरी जांच रिपोर्ट देंगे कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई और तदनुसार इसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि ट्रेनिंग का एक मुद्दा भी है, क्योंकि जब ये बस इंडक्ट हुए थे जो कंपनी है वो ट्रेनिंग कराती है सभी का, उसमें ड्राइवर्स का भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस है और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसकी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। ट्रेनिंग तो इनका दिया गया है, फिर भी लगातार जो है ट्रेनिंग देनी भी आवश्यक है, क्योंकि जो लास्ट घटना हुई थी उसमें जो कमियां रही गई थी या ट्रेनिंग में हो या कुछ और चीज़ें हो, वो सब चीज़ें लिस्ट आउट कर ली गई थी और जो कमेटी आया था उन्होंने भी अपने जो है रिपोर्ट में इसको इंगित किया है। तदनुसार जो है नीचे ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई हो रही है इनकी। एक बार फिर से जो है पूरा सभी का, ड्राइवर्स का और पूरा टीम जो चेकिंग करता है बस का, इनका जो है एक बार फिर से इसी माह के अंत तक जो है इनका ट्रेनिंग होनी है। उसका शेड्यूल तय किया गया है और वो ट्रेनिंग बाकायदा दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने में रिफ्रेशर कोर्स की तरह जो है वो गाड़ियों के संबंध में जो जो चीज़ें नया चीज़ें निकल के आएंगे वैसा हम लोग ट्रेनिंग उसको देंगे। इसके अलावा ये भी है, क्योंकि ये कुछ ही दिन पहले ही ये घटना हुई थी तो ये घटना एक रिपीट हो गया है, उसको देखते हुए इन बसेस का सभी का एक बार फिजिकल फिटनेस चेक कराना आवश्यक है। इसलिए उसमें 3 लोगों की एक कमेटी बनाया गया है टेक्निकल चेकिंग के लिए। उसमें RTO के एक ऑफिसर रहेंगे, RM रोडवेज के एक ऑफिसर रहेंगे, प्लस जो है नगर निगम के जो मैकेनिकल विंग है हमारा जो गाड़ियों का संचालन करते हैं उनका एक टीम रहेगा, प्लस जो एजेंसी जो बस चलाते हैं इनका उनका एक ये रहेगा। ये लोग चेक करेंगे एक एक बस का, पूरा सभी सिस्टम चेक करेंगे और उस चेक